अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, अगर आप भी अपना केवर गिग के लिए बेस्ट इमेज बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर अब हम बेस्ट इमेज बनाएंगे अपने केवर गिग के लिए तो ये होगा कि हमारा ऑर्डर का चांसेस बहुत ज़्यादा होगा, इस पर क्लिक ज़्यादा आएंगे तो हमें ऑर्डर ज़्यादा मिलेंगे। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ। फ्रेंड्स, तो हम आए यहाँ लैपटॉप के स्क्रीन की तरफ और हम सीधा चलते हैं क्रोम में, और क्रोम में हम केवर्क पे ये हमने एंटर किया और फिर दूसरे पे आते हैं canva.com, ये भी हो गया। और फिर मैं आता हूँ तीसरी टैब में, और तीसरे टैब में मैं यहाँ सर्च करता हूँ केवर्क इमेज साइज, ठीक है, ये हो गया। और फिर के बाद मैं आता हूँ यहाँ पे हमारा जो था लोगो डिज़ाइंस भी हो गया, और मैं यहाँ पे बेहतरीन सा इमेज बनाना चाहता हूँ अपने केवर गिग के लिए। अगर आप फाइवर गिग के लिए भी बनाना चाहते हैं तो आप इस तरीके से अपने फाइवर गिग के लिए भी बनाया जाता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे न्यू और 3D लोगो मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है, मैं उनको देखूँगा और इससे बेहतरीन इमेज जो है ना मैं यहाँ पर बना देता हूँ, ठीक है। फिर मैं आता हूँ यहाँ पे और मैंने यहाँ पे ये सेलेक्ट किया तो ये आता है व्हाट इज़ द साइज़ ऑफ KB नहीं एंड पिक्सल्स, मैं यहाँ पे सर्च कर देता हूँ, ठीक है, पिक्सल्स मैंने यहाँ पे पिक्सल्स सेलेक्ट किया, ठीक है, केवर्क इमेज साइज एंड पिक्सल्स इमेज साइज KB रिलायंस मार्केट प्लेस, मैं यहाँ पे ये सर्च कर लेता हूँ और क्वेश्चंस में मैं देता हूँ हाउ ऑर्डर इमेज को क्या कर लेता हूँ 3.3, ये हो गया। व्हाट इज़ द ये है हमारा आंसर्स, और ये हमें क्या रिकमेंड कर देता है, राइट, कुछ भी नहीं है इसमें यार, साइज इमेज साइज फॉर केवर्क गिग इमेज साइज, हमने यहाँ पे गिग नहीं लिखा यार, सॉरी, गिग इमेज साइज। अब मैं एंटर करता हूँ, ठीक है, ये मैंने एंटर किया, व्हाट इज़ द बेस्ट इमेज, मैं यहाँ पे आता हूँ और ये है 1280x769, ठीक है। मैं यहाँ पे आता हूँ कैनवा पे और मैं यहाँ पे कस्टम साइज़ पे मैंने क्लिक किया और मैं आता हूँ 1280 और ये दूसरा हमारा आ गया 769 67, ये हो गया, ठीक है, और पिक्सल्स ये हो गया, क्रिएट न्यू डिज़ाइन पे मैंने क्लिक किया। तो मैं यह क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे वो अपने केवर गिग के लिए, या अगर आप फावर गिग के लिए भी इमेज बनाना चाहते हैं तो ये आप यह इस तरह से आप बना सकते हैं, ठीक है। मैं आता हूँ सबसे पहले और मैं यहाँ पे एक डिज़ाइंस में यहाँ पे सेलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है, मैंने ये सेलेक्ट किया, आप अपनी मर्ज़ी से सेलेक्ट कर सकते हैं भाई, कोई इशू नहीं है, जो आपको अच्छा लगे मैं उनको यहाँ पर डिज़ाइन के तौर पर इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो ये है हमारा, मैं उनको थोड़ा सा कम कर देता हूँ, ठीक है। फिर मैं आता हूँ इसके बाद उन लोगों ने किस तरह गिग बनाए हैं, उन्होंने अपना ये चीज़ें भी लिखी है और ये भी लिखे है, और मैं इसी तरह अमेजिंग सा गिग बनाना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं आता हूँ यहाँ पे कैनवा पे और मैं यहाँ पे अपलोड पे आता हूँ, अपलोड जो आपका जो आपने लोगो बनाए है ना, आपको वो आपके पीसी में, और अगर मोबाइल में है तो मोबाइल में आपको जो चीज़ें आपने बनाई हैं वो तो मौजूद होंगे। तो मैं अपलोड फाइल पे यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ और मैंने जो लोगो बनाए हैं जिस भी फोल्डर में हो आप वहाँ से आप उनको सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं उनको भी यहाँ से इसी तरह क्या करूँगा, अपलोड करूँगा। तो ये हो गया, एक भी अपलोड हो गया, और फिर मैं यहाँ पर दूसरे पर आता हूँ, ये भी ये लोगो मैंने बनाई है और मैं यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ, ठीक है, और फिर मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा तो मैं अपना डिज़ाइंस बेहतरीन सा बना लेता हूँ। अगर आपको इस चीज़ का कैनवा को मुकम्मल
जो है ना नॉलेज होना चाहिए कि आप किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख देता हूँ, आप वहाँ से इस चीज़ का मुकम्मल वीडियो जब आप देखेंगे तो आपका अंदाज़ा हो जाएगा कि आप उसको किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं इस कैनवा को। फ़िलहाल आपको लिए ये गिग बनाना तो आसान हो गया है, ठीक है, आप यहाँ से गिग बना सकते हैं। मैं उनको इस तरह सेलेक्ट कर देता हूँ और ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, और फिर मैं उनको इस तरह कॉम कर सक देता हूँ। मैंने उनको इस तरह किया, ये हमारा एक डिज़ाइन आ गया, फिर मैंने दूसरा सेलेक्ट किया, अब ये हमारा दूसरा डिज़ाइन आ गया, ठीक है, और फिर मैंने तीसरा सेलेक्ट किया, ये हमारा तीसरा डिज़ाइन आ गया, ठीक है। आप जितना चाहे आप यहाँ से लगा सकता है, लेकिन बेहतर ये है कि ज़्यादा भी ना हो बहुत से, ये लोगो मैंने बनाए हैं और मैं यहाँ पे उनको इसी तरह मैं किया कर देता हूँ। ये हो गया हमारा, ठीक है, और फिर मैं आता हूँ यहाँ पे, उन लोगों ने किया लिखा है भाई लोगो डिज़ाइन उन्होंने लिखा है, मैं यहाँ पे आ देता हूँ और मैं यहाँ पे लोगो डिज़ाइन लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लोगो डिज़ाइन, DSIGN डिज़ाइंस, ये हमारा हो गया एक चीज़, लोगो डिज़ाइंस भी आ गया, ठीक है, और फिर मैं इस दूसरे पे और तीसरे पे आ जाता हूँ, ठीक है। आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप इससे भी बेहतरीन इमेज बना सकते हैं, ठीक है, और फिर इसने किया लिखे मिनिमलिस्ट, MIA मिनिमलिस्ट मॉडल्स, यहाँ पे मैंने मैंने मिनिमलिस्ट मैंने लिख दिया और ये गलत है, ये ठीक है, ठीक है, मिनिमलिस्ट और उन्होंने किया लिखा है और मिनिमलिस्ट हो गया, और मॉडर्न 3D लोगो उन्होंने मॉडर्न 3D लोगो भी लिखा है, ठीक है। ये हो गया हमारे पास मिनिमलिस्ट भी आ गया, और मैं उनको इस तरह कॉपी करता हूँ और मैं उनको यहाँ पर डिलीट करता हूँ और फिर आता हूँ यहाँ पर और फिर मैं यहाँ पर 3D लोगो में क्लिक कर देता हूँ, ठीक है, 3D लोगो मैंने लिख लिया, ठीक है। तो ये हमारे पास ये चीज़ आ गई, तो मैंने यहाँ पे मैं उनको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, ये हो गया, और इसी तरह, और ये हमारा एक बेहतरीन सा इमेज जो है ना हमने क्रिएट किया, ठीक है, लोगो डिज़ाइंस मिनिमलिस्ट 3D लोगो, ये भी हो गया, और फिर उन्होंने ऑर्डर नाउ लिखा है और अपना लोगो थोड़ा सा उन्होंने, और ऑर्डर नाउ हम यहाँ पे एलिमेंट्स पे आते हैं और यहाँ पे हम सर्च करते हैं ऑर्डर नाउ, ऑर्डर नाउ यहाँ पे सर्च करता हूँ और फिर मैं उनको ऑर्डर नाउ पे भी यहाँ से मैं उनको भी यहाँ पे लगा देता हूँ, तो हमारा ऑर्डर ऑर्डर नाव ये आ गया, ठीक है, ये हो गया ऑर्डर नाव, और फिर मैं यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। तो आपने देखा दोस्तों कि कितना अमेजिंग सा हमने यहाँ पे गिग बनाया, ठीक है, अगर उनकी देखे तो हमने माशाल्लाह उनसे अच्छा गिग बनाया, ये देखे उन्होंने बहुत सिंपल सा चीज़ बनाया है, ठीक है, तो हमने यहाँ पे अमेजिंग सा गिग बना दिया है, ठीक है, और फिर मैं उनको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, ये हो गया, ये हमारा, आप जो प्रैक्टिस करेंगे तो आप इससे भी आप बेहतर गिग बना सकते हैं, ठीक है, तो ये आप केवर्क और अपवर्क दोनों के लिए आप इस तरह गिग बना सकते हैं, ठीक है। फिर मैं आता हूँ यहाँ पे उनको किस तरह डाउनलोड करता है, मैं यहाँ पे शेयर पे कर देता हूँ, और शेयर पे आने के बाद मैं यहाँ पे डाउनलोड्स, और डाउनलोड्स पे जब आपके पास ये कैनवा प्रो नहीं होगा तो आप इन दोनों का इस्तेमाल नहीं कर सकते, मेरा पास कैनवा प्रो है तो मैं इन दोनों को इस्तेमाल कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पे इसी तरह डाउनलोड, ये हमारा डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको दिखा सकता हूँ कि ये डाउनलोड हो गया है, ये हो गया डाउनलोड। यार अभी तो एक लाइक तो बनता है ना यार, कंजूस हो, लाइक शेयर ज़रूर किया करो, ठीक है, कि किसी और बंदे को, आपका फ्रेंड्स जो है ना, उनको भी टेक करो कि उनको भी फ़ायदा हो जाए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया
तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ये हो गया हमारा डिज़ाइंस, अमेजिंग सा डिज़ाइंस आ गया, ठीक है, बहुत खूबसूरत सा। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और ताकि आपको आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज़।